हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं आम का हलवा। अक्सर हम मूंग दाल का हलवा, गेहूं के आटे का हलवा तो खाते रहते हैं, पर आज की रेसिपी में आप देखेंगे कि सूजी और आमरस डाल के हलवा कैसे बनाते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं मैंगो हलवा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके इसके ऊपर एक पैन चढ़ा देंगे, इसे गर्म होने देंगे। आधा कप घी डाल देंगे, तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया। घी मेल्ट होने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे एक कप सूजी यानी कि रवा। गैस की फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और चम्मच लगातार चलाते हुए इसे हमें हल्का ब्राउन कलर होने तक भून लेना है। जितना आप सूजी को घी के अंदर भूनेंगे उतना ही हलवा खिला खिला बनता है और सूजी भूनते समय इसके अंदर से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगती है। तो यहाँ पे मैंने इसे 7-8 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। तो ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया, हल्का ब्राउन कलर होने तक मैंने इसे भुना है। सूजी को अच्छी तरह से भूनने के बाद ही हम इसके अंदर डालेंगे एक बड़ा चम्मच किशमिश, 5-6 कटे हुए बादाम, 5 कटे हुए काजू, आप चाहे तो कटे हुए पिस्ता भी डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को हमें एक साथ मिलाते हुए एक मिनट तक भून लेना है लो फ्लेम पे। गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे एक कप आमरस, आमरस डालने के बाद इसे भी हम मिला देंगे सूजी के अंदर। जैसे ही आप सूजी के अंदर आमरस डालते हैं तो इसे हमें चम्मच की मदद से जल्दी जल्दी इस तरह से मिलाते जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सूजी के अंदर आमरस डालने से इसका कलर कितना बढ़िया दिख रहा। अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम दूध। ध्यान रहे, इसके अंदर हमें ठंडा दूध नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैंने एक कप इसके अंदर गरम दूध डाल दिया है, इसे मिला देंगे। फिर से हम इसके अंदर आधा कप दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1.5 कप गरम दूध डाला है। आधा कप हम इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ आम। जब हम आम का हलवा खाते हैं तो ये जो हमने छोटे छोटे मैंगो के पीस करके डाले हैं, तो ये जब मुंह में आते हैं तो खाने में और भी बढ़िया लगता है हलवा। इन सारी चीजों को मैंने चम्मच लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मिला दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी की मात्रा आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी डाली है, मिला देंगे। जैसे ही हम इसके अंदर चीनी डालते हैं तो चीनी मेल्ट होने से ये पतला होने लगता है। आप चाहे तो ये समय पे 1/4 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चीनी मेल्ट होके पतला हो गया है, ये देखिए। तो चीनी मेल्ट होने तक इसे मैंने मिला लिया है। अब हम इसके ऊपर लीड लगा के 5-6 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। तो 6 मिनट के बाद अब हम इसे खोल के देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हलवा फुल के डबल हो गया है। एक बार मिला लेंगे, ये देखिए कितना बढ़िया हलवा बना है। मैं आपको और एक यहाँ पे एक टिप बताती हूँ। जब आपका हलवा पैन या फिर कढ़ाई के किनारों को छोड़ देता है कुछ इस तरह से, देखिए, तो समझ जाइए कि आपका हलवा परफेक्ट पक के तैयार है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हलवे के अंदर घी दिखने लगा है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे अपना गर्मा गर्म मैंगो हलवा बन के तैयार है। ये जो कंटेनर है इसकी मदद से मैंने ये प्लेट के अंदर हलवा निकाला है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे कटे हुए आम के साथ। इसके ऊपर एक चेरी रख देंगे कुछ इस तरह से। थोड़े से कटे हुए काजू और बादाम से हम और थोड़ा सा सजा लेंगे। तो एक काजू लगा देंगे कुछ इस तरह से, कटा हुआ बादाम ताकि ये और भी अच्छा दिखे। आप आपके हिसाब से इसे गार्निश कर सकते हैं। इससे पहले मैंने सूजी का हलवा बनाया है, मूंग दाल का इंस्टेंट हलवा बनाया है, उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। थोड़े से हम केसर के धागे इसके ऊपर रख देंगे कुछ इस तरह से। तो आपने देखा कि मैंगो का हलवा बनाना कितना सिंपल और खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए। आप इसे आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और भी आने वाले अच्छे अच्छे रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आपके स्क्रीन के ऊपर दी गई मेरी और भी रेसिपी पे आप क्लिक करके देख सकते हैं।